Hello everyone. So what we did in the last class? In the last class, we saw the derivation for the case of tossing of any number of coins. Number of coins जो है, it can be any in number. फिर उसके बाद उसका derivation हमने देखा था और फिर ये हमने देखा था कि क्या probability होगी उस combination की. हर एक suppose मेरे पास total n number of coins है, उसमें से टोटल एन नंबर ऑफ कॉइन्स में से आर हेड और एन माइनस आर टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसका हमने डेरिवेशन किया था. उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने ये देखा था कि इस केस में वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जिसके आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी और ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जिसके आने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी. उसके बाद फिर आज हम क्या करेंगे, अब हम ये जो कॉइन्स की टॉसिंग थी इसको अब हम आगे रिलेट करेंगे टू द सिस्टम. सिस्टम हमारा कैसा होगा, सिस्टम इज मेड अप ऑफ बॉक्सेस एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट बॉक्स, इन दोज बॉक्सेस. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे n टू बी वेरी स्मॉल, देन स्लोली स्लोली वी विल प्रोसीड टू द वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो फर्स्ट केस जो आज हम देखेंगे वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन टू बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज. हमारे पास एक सिस्टम है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ टू बॉक्सेस. ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम हो गया, इसमें हमारे पास दो बॉक्स है, दिस इज बॉक्स वन दिस इज बॉक्स टू. ठीक है, और सबसे पहले हम स्टडी करेंगे दैट इन दोनों बॉक्स में, और ये जो दोनों बॉक्सेस हैं दे आर ऑफ इक्वल साइज. इसका मतलब जो हम पार्टिकल को पुट करेंगे तो पार्टिकल जो है किसी भी बॉक्स में जाने की जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था फ्रॉम पोस्टुलेट ऑफ इक्वल अ प्रायर प्रोबेबिलिटी कि बिफोर कंडक्टिंग एन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वी कैन डायरेक्टली से कि पार्टिकल जो है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है. ठीक है, तो इसको हम प्रायर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं एंड द बॉक्सेस आर ऑफ एग्जैक्टली इक्वल साइज सो अ पार्टिकल हैज द सेम प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू द ईदर ऑफ द टू बॉक्सेस. ठीक है, दो बॉक्स है हमारे पास. ठीक है, तो पार्टिकल के इस बॉक्स में प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2. सिमिलरली पार्टिकल के इस बॉक्स में प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/2. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हम कैसे निकालते हैं, 2^n. ठीक है, यहाँ पे n हम सबसे पहला केस लेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2. जब n हमारा 2 है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे कितने बनेंगे, 4. ये लास्ट क्लास में मैंने देखा था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है वो होते हैं इक्वल टू 2^n. तो सबसे पहले वी विल सी द केस ऑफ टू डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स which we have to distribute in two boxes of equal size. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, सपोज मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी. एक पॉसिबिलिटी ये होगी बॉक्स वन में दो पार्टिकल हैं, बॉक्स टू में जीरो. एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, बॉक्स वन में जीरो पार्टिकल्स हैं, दोनों के दोनों पार्टिकल्स बॉक्स टू में चले गए. एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक पार्टिकल बॉक्स वन में है और एक पार्टिकल बॉक्स टू में है. ठीक है, पर टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बन रहे हैं, 4. यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3. अब इसके बीच का जो डिफरेंस है ये मैं तुम्हें समझाऊंगी. देखो दो टर्म्स होती हैं, एक होता है मैक्रो स्टेट एक होता है माइक्रो स्टेट. लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी तुम्हें मैक्रो स्टेट क्या होती है और माइक्रो स्टेट क्या होती है. देखो यहाँ से समझ में आएगा, टेबुलर फॉर्म में हमने लिखा हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज टू पार्टिकल्स इन टू बॉक्सेस. सो दिस इज बॉक्स वन दिस इज बॉक्स टू. क्या पॉसिबिलिटी होगी, पहली कि दो पार्टिकल्स बॉक्स वन में है और बॉक्स टू में जीरो. दैट मीन जो दोनों पार्टिकल्स है ए और बी वो बॉक्स वन में चले गए, बॉक्स टू में जीरो पार्टिकल्स. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, बॉक्स वन में जीरो और बॉक्स टू में ही दोनों पार्टिकल्स चले गए, मतलब बॉक्स वन में जीरो बॉक्स टू में दोनों पार्टिकल्स आ गए ए और बी. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, दोनों बॉक्स में एक एक पार्टिकल. अभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले बॉक्स में पार्टिकल ए हो दूसरे बॉक्स में पार्टिकल बी. ऐसा भी हो सकता है पहले बॉक्स में पार्टिकल बी हो और दूसरे बॉक्स में पार्टिकल ए. तो इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट हमारी क्या है, 1 1.
दोनों बॉक्स में एक एक पार्टिकल, तो इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की वी हैव टू माइक्रोस्टेट्स, ये माइक्रोस्टेट्स होती हैं, ठीक है। सो वी हैव टू माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट वन वन। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हुए हमारे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स कितनी है, वन टू थ्री एंड फोर। मैक्रोस्टेट्स हमारे पास तीन है पर माइक्रोस्टेट्स हमारे पास फोर है, टू रेज टू पावर टू। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट सिस्टम में कितनी होती है, टू रेज टू पावर एन। और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को हम ये भी कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। नाउ अब इसकी फ्रीक्वेंसी या वेटेज कितनी है, इस मैक्रोस्टेट की एक ही माइक्रोस्टेट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी वन है, इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की एक ही माइक्रोस्टेट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी वन है, इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की दो माइक्रोस्टेट्स हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई टू। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे दो पार्टिकल्स को डालने का इन टू बॉक्सेस, इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था होती है वन अपॉन टू रेज टू पावर एन, ठीक है, टू रेज टू पावर एन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं और प्रोबेबिलिटी होती है वन अपॉन टू रेज टू पावर एन, दैट मीन्स यहाँ एन टू है तो वन अपॉन फोर, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वन अपॉन फोर, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वन अपॉन फोर, और यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वेटेज के साथ टू, टू इंटू वन अपॉन फोर इज इक्वल टू वन अपॉन टू। और वेटेज हमारी क्या थी, वेटेज हमारी होती है एनसीआर, ये सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब हम इस टॉसिंग ऑफ कॉइन्स को आगे सिस्टम में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एन क्या है, यहाँ पे हमारा एन है टू, ठीक है, टू सी आर क्या है, पहले बॉक्स में एक पार्टिकल, दूसरे बॉक्स में एक, टू सी वन, टू सी वन क्या होता है हमारा टू, ये टू ही है ना, तो वेटेज इनटू दी प्रोबेबिलिटी टू इनटू वन अपॉन फोर इक्वल टू वन अपॉन टू, ठीक है। और ये जो दोनों माइक्रोस्टेट्स है इनकी जो प्रोबेबिलिटी है सेम है, इसकी प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी भी वन अपॉन टू है, इस पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी भी वन अपॉन टू है। तो ये हमारा केस है डिस्ट्रीब्यूटिंग टू डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन टू बॉक्सेस, दोनों पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं, एक ए है दूसरा बी है, अगर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे तो केस चेंज हो जाएगा, वो मैं इसके नेक्स्ट बताऊंगी। देखो यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी है जो मैंने बताया था, इसको अपनी नोटबुक में या अपनी बुक में लिख लेना। प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, टू रेज टू पावर एन। तो डिनोमिनेटर में जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है टू रेज टू पावर एन, ठीक है, दैट इज जो यहाँ पर हमारा है फोर, बिकॉज एन इज इक्वल टू टू। और न्यूमरेटर में क्या आता है, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की, न्यूमरेटर में आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट। जैसे इन दोनों मैक्रोस्टेट की जब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली तो इनकी फ्रीक्वेंसी वन थी, तो वन अपॉन टू रेज टू पावर एन हो गया। इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की फ्रीक्वेंसी टू है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फोर, फ्रीक्वेंसी क्या है टू, तो टू अपॉन फोर। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, ये हमारा क्या है, दिस इज, ये मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, इसको मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ गिवन मैक्रोस्टेट, दैट मींस द फ्रीक्वेंसी, जिसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ये मैं आगे बताऊंगी, अभी मत समझो इसको। न्यूमरेटर में क्या आता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, दैट मींस द फ्रीक्वेंसी। और डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम, मींस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमने कहाँ से डिड्यूस किया है, टॉसिंग ऑफ कॉइंस के केसेस स्टडी कर करके हमने इस फॉर्मूले को डिड्यूस किया है, ठीक है। अब एक चीज और, आगे जब मैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पे जा रही हूँ, उससे पहले मुझे एक चीज और बतानी है। लास्ट क्लास में जब हम पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, तो वहां पे एक स्टेटमेंट ये आई थी और मैंने कहा था ये स्टेटमेंट
क्या है इसको मैं तब समझाऊंगी जब हम मैक्रो और माइक्रो स्टेट पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑल एसेसिबल माइक्रो स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट आर इक्वली प्रोबेबल। इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की जितनी भी माइक्रो स्टेट्स होंगी 2, 3, 4 वो सारी माइक्रो स्टेट्स जो है उन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, ऑल आर इक्वली प्रोबेबल। जैसे यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट थी हमारे पास 1, 1, इसकी दो माइक्रो स्टेट्स है ए बी और बी ए, और दोनों ही माइक्रो स्टेट्स जो है दे आर इक्वली प्रोबेबल, दोनों की ही प्रोबेबिलिटी सेम है 1/2 and 1/2। सो दिस इज द अनदर स्टेटमेंट ऑफ पोस्टुलेट ऑफ इक्वल अ प्रायर प्रोबेबिलिटी। नाउ वी विल कम टू द केस, अब हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दो बॉक्सेस में, पर अब ये दोनों पार्टिकल्स हमारे इनडिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल और डिस्टिंग्विशेबल हम अलग अलग क्यों स्टडी कर रहे हैं कि आगे तुम्हें पता चलेगा। मैंने बताया था शुरू में ही फर्स्ट लेक्चर में हमारी दो तरीके की स्टैटिस्टिक्स होती है, क्लासिकल और क्वांटम। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हम आगे दो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, बोस-आइंस्टीन एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें जब हम किसी भी पार्टिकल को किसी सिस्टम में विच इज कम्पोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस उनमें जब हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल है। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो वहां पे हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है उनमें जो पार्टिकल्स है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होती हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो वहां पर जब हम पार्टिकल्स को किसी सिस्टम में विच इज कम्पोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका जो वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगा। वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से, बिकॉज नाउ द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इस वजह से हम जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम ले रहे हैं तब भी हम जो है डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल तीनों केसेस जो है इनको, दोनों केसेस जो है इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। नाउ इनडिस्टिंग्विशेबल वाला केस बहुत सिंपल है, हमारे पास दो बॉक्स हैं बॉक्स 1 बॉक्स 2, क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, एक बॉक्स में 2 पार्टिकल दूसरे में 0, एक बॉक्स में 0 पार्टिकल दूसरे में 2 पार्टिकल्स और दोनों में 1-1 पार्टिकल। अब पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है, सो वी विल से लेट ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू ए। तो 2 पार्टिकल्स बॉक्स वन में डाले हमने ए ए, दूसरे में 0, देन इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की कितनी माइक्रो स्टेट्स है 1, इसमें एक भी पार्टिकल नहीं, इसमें ए ए, देन इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में दोनों में 1-1 पार्टिकल डालना है, दोनों पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो एक इसमें एक इसमें। तो अब इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की हमारे पास सिर्फ एक ही माइक्रो स्टेट है, देखो चेंज हो गया ना पॉसिबल वेज ऑफ कॉम्बिनेशन। जब पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल थे तो एक मैक्रो स्टेट के हमारे पास टोटल 2 माइक्रोस्टेट्स थी, जैसे ही पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हुए एक माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग एक ही माइक्रोस्टेट बची। ये आगे भी मैं बताऊंगी तुम्हें, जब भी पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो हमेशा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो है नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है, जब भी पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है तो एक मैक्रोस्टेट की एक ही माइक्रोस्टेट होती है, जब पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो होता है कि एक मैक्रो स्टेट की एक माइक्रो स्टेट भी हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो एक ही माइक्रो स्टेट है तो फ्रीक्वेंसी तीनों की 1-1-1 हो गई, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट, कितनी माइक्रो स्टेट है इसमें 1, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ सिस्टम, कितनी माइक्रो स्टेट्स है 1, 2 and 3, तो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। सिमिलरली इसकी भी 1/3 होगी, इसकी भी 1/3 होगी। सो व्हेन द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड वी हैव टू अरेंज 2 पार्टिकल्स इन 2 बॉक्सेस देन देयर आर 3 पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग दीस 2 इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। Now we'll proceed with the number of particles equal to 3. So first we'll see the distinguishable case and then indistinguishable. So let's say we have 3 distinguishable particles A, B and C. So हमारे पास ये box 1 है, ये box 2 है. तो total macro states क्या होंगी?
पहले बॉक्स में तीनों पार्टिकल चले गए, दूसरे में जीरो। पहले बॉक्स में जीरो पार्टिकल्स हैं, दूसरे में तीनों के तीनों चले गए, या पहले बॉक्स में एक पार्टिकल है दूसरे में दो, पहले बॉक्स में दो पार्टिकल है और दूसरे में एक, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, हमें तीनों के तीनों पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज करना है विद इन द टू बॉक्सेस। ठीक है, अब देखो थ्री जीरो के करस्पॉन्डिंग कितनी माइक्रोस्टेट बनेंगी, एक, तीनों पार्टिकल्स एक बॉक्स में, दूसरे में कोई नहीं। सिमिलरली जीरो थ्री मैक्रोस्टेट के लिए कितनी माइक्रोस्टेट बनेंगी, एक, पहले बॉक्स में कुछ नहीं, तीनों के तीनों पार्टिकल्स दूसरे बॉक्स में चले गए। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट में जब पहले बॉक्स में एक पार्टिकल है दूसरे में दो, हमारे पास टोटल तीन माइक्रोस्टेट्स बनेंगी। पहले बॉक्स में ए है दूसरे में बी सी, पहले में बी है दूसरे में ए सी, पहले में तीन है, पहले में सी है दूसरे में ए बी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, फ्रीक्वेंसी मीन्स टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन दिस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट। यहाँ की फ्रीक्वेंसी तो वन है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, वन टू थ्री, इस केस की फ्रीक्वेंसी हो गई थ्री। नेक्स्ट फॉर टू वन केस, जब इस बॉक्स में दो पार्टिकल्स हैं और इसमें एक, इसकी भी तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ए बी एक में, सी दूसरे में, बी सी एक में, ए दूसरे में, सी ए एक में, बी दूसरे में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई थ्री। सिमिलरली जीरो थ्री की फ्रीक्वेंसी एक है, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ गिवन मैक्रोस्टेट, इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट है वन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम, टोटल कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो वन डिवाइडेड बाय एट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट। और ये हमने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स यहाँ 8 आई थी, इसको हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं 2 raised to power n से, where n is 3, 2 raised to power 3 is 8, ठीक है? जब यहाँ पे तो हमारे पास तीन पार्टिकल्स ही हैं, तो इसलिए हमने ये सारे केसेस बना लिए और हमने कह दिया 8 माइक्रोस्टेट्स बन रही हैं इन टोटल। जब नंबर ऑफ पार्टिकल 1000 हो जाएंगे तो वहां पे थोड़ी 1000 केसेस बनाओगे, तो वहां पे हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मूला 2 raised to power n। ठीक है, अब नेक्स्ट मैक्रोस्टेट, इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ गिवन मैक्रोस्टेट, कितनी माइक्रोस्टेट्स है, वन टू थ्री, फ्रीक्वेंसी इज थ्री, थ्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है, टू रेज टू पावर थ्री इक्वल टू एट, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, थ्री अपॉन एट। तो इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की तीन माइक्रोस्टेट्स हैं और तीनों ही माइक्रोस्टेट्स जो हैं, दे आर इक्वली प्रोबेबल हैविंग द प्रोबेबिलिटीज 3 अपॉन 8 ईच। नाउ नेक्स्ट केस के लिए भी प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन 8 हो जाएगी और इस केस के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन 8, सिंस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन दिस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट इज 1, सो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन द सिस्टम व्हिच इज 8। अब क्या होगा, व्हेन द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, तो अब ये केस किसमें रिड्यूस हो जाएगा, देखो पार्टिकल्स अब इनडिस्टिंग्विशेबल है, मैक्रोस्टेट्स तो हमारे पास यही रहेंगी 3 0 0 3 1 2 एंड 2 1, माइक्रोस्टेट्स क्या हो जाएंगी, मैंने बताया था जब पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इसको ठीक करो बेटा, यहाँ माइक्रो लिखा हुआ है, दिस इज नॉट माइक्रो दिस इज मैक्रो, ठीक है, ये यहाँ पे एरर है, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था जब पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो हर एक मैक्रोस्टेट की एक ही माइक्रोस्टेट बनती है, 3 0 में एक बनेगी ए ए ए, 0, 0 3 में एक बनेगी 0 ए ए ए, 1 2 में क्या बनेगी, पहले में एक पार्टिकल है ए, दूसरे में दो है ए ए, पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है। 2 1 में क्या होगा, पहले में दो पार्टिकल डाल दिए ए ए, दूसरे में एक डाल दिया ए, तो इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की भी एक ही माइक्रोस्टेट है, इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की भी एक ही माइक्रोस्टेट है। जब पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल थे उस केस में तीन तीन माइक्रोस्टेट्स थी, जब पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए तो हमारे पास नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, तो इस सबकी फ्रीक्वेंसीज 1 हो गई। प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ गिवन मैक्रोस्टेट दिस इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन द सिस्टम, कितनी माइक्रोस्टेट्स हो गई है, 1 2 3 एंड 4, सो 1 डिवाइडेड बाय 4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। सिमिलरली इसकी भी 1 अपॉन 4 होगी, इसकी भी 1 अपॉन 4 होगी और इसकी भी 1 अपॉन
4 होगी. सो व्हेन वी हैव 3 इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स देन देयर आर 4 पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 3 इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 2 बॉक्सेस ऑफ एग्जैक्टली इक्वल साइज. नाउ वी आर अगेन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम 3 to 4. अगर पार्टिकल्स हमारे डिस्टिंग्विशेबल है, लेट्स से दीज 4 पार्टिकल्स आर ए बी सी एंड डी, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स पॉसिबल क्या होंगी? 4 पार्टिकल्स एक बॉक्स में, एक में 0, पहले में 0, चारों के चारों दूसरे बॉक्स में, पहले में 3, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 3, दोनों में 2-2. इससे ज्यादा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशंस नहीं है मैक्रोस्टेट के. नो, माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी? पहले में 4, एक में 0, इसकी एक ही माइक्रोस्टेट बनेगी, ठीक है? पहले में 0, दूसरे में 4, इसकी भी एक ही माइक्रोस्टेट बनेगी. नाउ 3-1 की हमारे पास 4 माइक्रोस्टेट्स बनेंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी. कैसे? बी सी डी एक में चला गया, ए एक में, ए बी सी डी एक एक पार्टिकल इसमें, बाकी के रेस्ट ऑफ द 3 पार्टिकल्स बॉक्स 1 में. ऐसी 1-3 की भी फ्रीक्वेंसी 4 होगी. पहले में ए है तो बाकी के 3 बी सी डी दूसरे में चले गए. पहले में अगर बी है तो बाकी के 3 ए सी डी दूसरे में चले गए. पहले में अगर सी है तो बाकी के 3 ए बी डी तीसरे में चले गए. पहले में अगर डी है तो बाकी के 3 ए बी सी जो है वो बॉक्स 2 में चले गए. नाउ 2-2 के केस में द फ्रीक्वेंसी बिकम्स 6. इसको खुद से भी ना एक बार लिखना, सिर्फ ऐसे पढ़ना नहीं, खुद से बुक को बंद करके खुद एक बार डिस्ट्रीब्यूट करके देखना. अगर हमारे पास 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं तो कितनी मैक्रोस्टेट बनेंगी और हर एक मैक्रोस्टेट के कितनी माइक्रोस्टेट बनेंगी. जब तक इसको खुद से नहीं करोगे ना, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, और एक बार खुद से करके चीजें बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी, ठीक है? तो 6 पॉसिबिलिटीज कौन सी बनेंगी? यहाँ पे हर एक पॉसिबिलिटी लिखी है, एक में ए बी, दूसरे में सी डी, एक में ए सी, दूसरे में बी डी, देन ए डी बी सी, बी सी ए डी, बी डी ए सी, सी डी ए बी, ठीक है? तो वी हैव 6 टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन दिस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट केस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी? 2^4 इक्वल टू 16. काउंट भी कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. 16 ही पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/16. इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट में 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमारी 16 है, तो इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/16. नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट्स है? 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 16 इज द प्रोबेबिलिटी. सिमिलरली हियर 4 डिवाइडेड बाय 16 एंड हियर 1 डिवाइडेड बाय 16. So we have in total 16 microstates. We have in total 16 ways of distributing 4 distinguishable particles in 2 exactly identical boxes. Now कैसे ये distribution change होगा? अब अगर ये चारों particles indistinguishable हो गए, चारों indistinguishable है, microstates तो यही रहेंगी, macrostates 4-0, 3-1, 2-2, 1-3, 4-0. सॉरी, इसको यहाँ ठीक करो, दिस इज नॉट 4-0, इसमें गलतियां बहुत है, बुक में इसको ठीक करो, दिस इज 0-4, ठीक है? यहाँ पे ठीक लिखा है, यहाँ पे ठीक लिखा है, ठीक है? पहले बॉक्स में 4 पार्टिकल, दूसरे में 0, यहाँ पर पहले बॉक्स में 0, दूसरे में चारों पार्टिकल्स, पहले में 3, दूसरे में 1, सारे पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है, पहले में भी 2, दूसरे में भी 2, पहले में 1, दूसरे में 3. मतलब जब पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो हर एक मैक्रोस्टेट की सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट होती है, फ्रीक्वेंसी जो है हर केस में 1 होगी. तो अब पर्टिकुलर हर एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम इस केस को देखते हैं. नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5. So probability will be 1/5. Similarly, इसकी भी 1/5 होगी, इसकी भी 1/5, इसकी भी 1/5, इसकी भी 1/5. तो I hope यहाँ पर तुमको concept clear हुआ है macrostate और microstate का. हमने 3 cases study करे,
दो आइडेंटिकल बॉक्सेस में जब हमने दो पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, देन तीन पार्टिकल्स को, देन चार पार्टिकल्स को, और हर एक में हमने दो दो केसेस पढ़े जब पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं और जब पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, और हर एक केस में एक कॉमन फॉर्मूला हमारा यूज होगा, एंड विच इज दैट कॉमन फॉर्मूला, दिस वन। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, किसी भी पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ गिवन मैक्रो स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हर एक पार्टिकल को स्टडी करने के बाद वील नाउ मूव टू द एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमने देख लिया जब पार्टिकल दो है, तीन है, चार है, तो क्या होगा जब एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू बॉक्सेस में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ माइक्रो स्टेट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैक्रो स्टेट। ये दोनों इनकी डेफिनेशंस हैं, इनको याद रखना, एग्जाम में आ सकती हैं। माइक्रो स्टेट इज डिफाइंड एज द डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, जिसमें हम सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज करते हैं। मैक्रो स्टेट क्या होती है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम विदाउट डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम वन अनदर। मैक्रो स्टेट में हमें ये मतलब नहीं होता कि कौन से दो पार्टिकल या तीन पार्टिकल या एक पार्टिकल किसी स्टेट में प्रेजेंट है, किसी बॉक्स में प्रेजेंट है, उसमें हमें क्या देखना होता है, कितने पार्टिकल्स किस बॉक्स में प्रेजेंट है, फिर चाहे वो कौन से भी पार्टिकल्स हो, वो मैक्रो स्टेट होती है। लेकिन जब हम इन पर्टिकुलर ध्यान दे रहे हैं कि कौन सा पार्टिकल किस बॉक्स में है, तो वो माइक्रो स्टेट बन जाती है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है वेयर वी हैव टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू बी थ्री, जो अभी हमने पहले पढ़ा था। तो हमारे पास चार मैक्रो स्टेट है, 3021 1203, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कितने पार्टिकल्स किस बॉक्स में हैं, विदाउट डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम वन अनदर, बिना ये जाने कि कौन सा पार्टिकल किस बॉक्स में है। बस तीन पार्टिकल्स हैं उसमें, दूसरे में जीरो, पहले में दो, दूसरे में एक, कौन कौन सा पार्टिकल है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये होती है मैक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट में हमें इस चीज से लेना देना है कि कौन सा पार्टिकल किस बॉक्स में है, इफ दीज पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। अगर इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, तो हर एक मैक्रो स्टेट की एक ही माइक्रो स्टेट होगी। तो अगर पार्टिकल्स जो है डिस्टिंग्विशेबल है, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की एक माइक्रो स्टेट है, इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की तीन माइक्रो स्टेट्स है, इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की भी तीन माइक्रो स्टेट्स है, और इस पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट की, इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की एक ही माइक्रो स्टेट है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द टू कंपार्टमेंट्स डिफाइन अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड द मैक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो मैक्रो स्टेट बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द टू कंपार्टमेंट्स, कितने कितने पार्टिकल्स है। ठीक है, नेक्स्ट इट ओवरलुक्स द आइडेंटिटीज ऑफ द पार्टिकल्स, कौन सा पार्टिकल किस बॉक्स में, इससे इसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नाउ ईच मैक्रो स्टेट जो है, इट मे कंटेन वन और मोर माइक्रो स्टेट्स, हर एक मैक्रो स्टेट में एक या एक से ज्यादा माइक्रो स्टेट हो सकती हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में इस मैक्रो स्टेट की एक माइक्रो स्टेट है, इस मैक्रो स्टेट की तीन माइक्रो स्टेट्स है। ठीक है, अब अगर हम तीन की बजाय एन पे चले जाए, तो हमारे पास व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स एंड व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स फॉर एन पार्टिकल्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू कंपार्टमेंट्स। इसको भी करना है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। यहाँ पर हम क्या केस देख रहे हैं, वी हैव ओनली टू कंपार्टमेंट्स, धीरे धीरे हम इन कंपार्टमेंट्स को भी बढ़ाएंगे। अभी हमारे पास सिर्फ दो कंपार्टमेंट्स हैं एंड इसमें वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टोटल एन नंबर ऑफ particles. This n can be any quantity, can be 1, 2, 3, can be 1000, 5000 and so on. तो इस particular case में total number of microstates कितनी होती है, मैंने बताया था total number of microstates जो है या total number of possible combinations जो है वो होते हैं 2^n, 2^n. ठीक है, total number of macrostates कितनी होती है, n+1, इसको याद रखना। टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स होती है n+1, कैसे, यहाँ पे देखो जब n हमारा 2 था तो टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स हमारी कितनी थी, 1, 2, 3, n+1 दैट इज 3। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे 3 हो गए, तब टोटल
मैक्रो स्टेट्स हमारी कितनी थी, 1, 2, 3 एंड 4, दैट मीन्स एन प्लस वन, 3 प्लस 1 4, ठीक है। जब हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हो गए, उस केस में हमारी टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स कितनी बनी थी, एन प्लस वन 5 बननी चाहिए, एन इज 4, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स होती हैं 2 रेज टू पावर, सॉरी टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होती हैं 2 रेज टू पावर n, टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स होती हैं n प्लस 1, इसको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन टू बॉक्सेस और टू कंपार्टमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम होती है 2 रेज टू पावर n, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्रो स्टेट्स विद इन द सिस्टम होती है n प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है 2 रेज टू पावर n, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n पार्टिकल्स इन टू कंपार्टमेंट्स विल बी 2 रेज टू पावर n, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इज 2 रेज टू पावर n एंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स विल बी n प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए हमें, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट, ये मैंने अभी बताया था जस्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट होती है द वेटेज और द फ्रीक्वेंसी विच इज NCR, कि अगर जैसे ये देखो, अगर मेरे पास ये मैक्रो स्टेट है 1 1, दोनों बॉक्स में एक एक पार्टिकल है, तो इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की कितनी माइक्रो स्टेट्स होंगी, NCR, n हमारा 2 है और हमारा R क्या है 1, तो 2C1 हमारा 2 होता है, और हमारी दो ही कॉम्बिनेशंस बने थे AB एंड BA। नेक्स्ट, जब तीन पार्टिकल्स हैं और हमारे पास ये मैक्रो स्टेट है कि बॉक्स 1 में या कंपार्टमेंट 1 में एक पार्टिकल, कंपार्टमेंट 2 में दो पार्टिकल, इस केस में कितनी मैक्रो स्टेट बनेंगी, 3 बननी चाहिए, एक में A दूसरे में BC, पहले में B दूसरे में AC, पहले में C दूसरे में AB, इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं NCR से, n हमारा 3 है, ठीक है, r हमारा कितना है 1, तो n माइनस r क्या हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ NCR 3C1 को हम लिख सकते हैं 3 factorial upon 1 factorial into 2 factorial, and it comes out to be 3, और यही हमारा आया था 3 माइक्रो स्टेट्स थी इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट 1 2 की। तो यहाँ पर हमें 3 चीजें याद, तो अभी आज हमने जो किया इसमें क्या क्या याद करना है, एक तो प्रोबेबिलिटी याद करनी है पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। उसके बाद ये याद रखना है, इफ वी हैव एन पार्टिकल्स एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज एन पार्टिकल्स इन टू कंपार्टमेंट्स, ठीक है, एंड दीज एन पार्टिकल्स दे आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है, इन n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को वी हैव टू नाउ डिस्ट्रीब्यूट इन टू कंपार्टमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन टू कंपार्टमेंट्स विल बी 2 रेज टू पावर n, टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम विल बी n प्लस 1, number of micro states in a particular macro state will be NCR, which is n factorial upon r factorial into n minus r factorial. तो अब ये जो मैंने summarize किया, यही तुम्हें याद करना है इस पूरे lecture में, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या ध्यान दे रहे हैं, it should be noted that system हमारा कैसा होगा जो हम आगे पढ़ेंगे, system is made up of boxes plus particles, we have to distribute large number of particles in different boxes, that makes a system, ठीक है? तो जो system की properties हैं, वो depend करेंगी कि हर एक box में कितने particles हैं। इस पे depend नहीं करेगा कि कौन सा particle किस box में है। इसका मतलब macro states जो है, that is important, not micro states when we study the properties of the system. जब हम इन डिटेल किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे अप्लाइंग द स्टैटिस्टिक्स, तो वहां पर हम मैक्रो स्टेट्स के बारे में ध्यान देंगे, माइक्रो स्टेट्स का नहीं। हमें इस चीज का ध्यान देना है हर एक बॉक्स में कितने पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, उसका हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम ये देखेंगे कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, तो दैट विल मेक द सिस्टम वेरी
difficult to study. ठीक है, तो after knowing this, in the next class we'll proceed with the thermodynamic probability. ठीक है, तो आज जो हमने किया वो बहुत सिंपल है. इसमें हमने बस इतना देखा कि जब हमारे पास पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है या जब हमारे पास पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है. डिस्टिंग्विशेबल का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम स्टैटिस्टिक्स. तो दोनों ही केस में जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है, और फिर हमने देखा था एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की हम प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं. फिर हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट सिस्टम में कितनी होती है, मैक्रोस्टेट्स कितनी होती है, और एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट्स होती है, 2^n, n+1, and ncr respectively. ठीक है, so next, in the next class we'll start with the thermodynamic probability.